हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज से कुछ बहुत टाइम पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10 का, लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े। सोचो ये चैप्टर क्यों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर उन सिस्टम के बारे में बताता है कि ये वो सिस्टम है जो उन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हम यही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट्स हो करता है, एक्सेप्ट प्लांट को छोड़ के ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मूवमेंट्स हो करते हैं। तो ये मूवमेंट क्यों कोई ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, या तो शेल्टर के लिए, या तो फूड के लिए, या तो रिप्रोडक्शन के लिए। दूसरा, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में किसी चेंज के कारण कोई रिस्पॉन्ड या कोई रिएक्शन शो कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं स्टिमुलाई। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, CNS एंड PNS। CNS का फुल फॉर्म सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड PNS का पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। CNS का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी सही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसका डिवीजन किस तरीके से किया गया समझते हैं। अपने बॉडी को ऊपर से हम इमेजिन करते हैं, ऊपर हेड रीजन से। हेड रीजन से जब नीचे इसके बीच वाले, बॉडी के बीच वाले पार्ट को सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं, और सेंट्रल पार्ट के जो चारों ओर वाला पार्ट है वो पेरिफेरल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट में जो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट आता है ना, उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हेड के नीचे जितना पार्ट आएगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो देखते हैं हेड के नीचे कौन कौन पार्ट आएगा। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हेड के बीच वाला रीजन में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इस CNS से जितने भी नर्व्स अराइज होते हैं, इस CNS से जितने भी नर्व्स बाहर निकलते हैं बाकी दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए, वो सब आ जाएंगे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर। अब देखो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, SNS एंड ANS। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, वो एक्शंस जो हम चाहे तब कर पाए, यानी जो हम अपने विल पावर से कंट्रोल कर पाए, हमारा चलना, बोलना, खाना, खेलना, ये सब वॉलंटरी एक्शंस के अंदर आ जाता है। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी वो एक्शंस जो हमारे बस में नहीं, यानी हमारी ब्रीदिंग, हमारा हार्ट बीट, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर आता है। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। और यहाँ मैंने कुछ हिंदी में ट्रिक लिखा है, दुख का साथी और सुख का साथी। कैसे, ये सिस्टम तब एक्टिव रहता है जब आपके बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन आए, यानी दुख वाला कंडीशन, और ये सिस्टम जब बॉडी में नॉर्मल कंडीशन यानी सुख वाला कंडीशन चल रहा है तो पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिव होगा। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम कैसे, ऐसे इमेजिन कर लो कि आज आप घर जा रहे हो, घर जाते जाते कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, आप दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे जान बचाकर, तो उस टाइम में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए ये इमेजिन करो। आपका हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट चेंज हो बहुत तेज हो जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम एक्टिव है उस टाइम पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। और जो बॉडी में हम नॉर्मल बहुत ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस कंडीशन में भी पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करता है। पता है ये सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है तो ऑर्गन से मिलकर बना होगा, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने होंगे, और टिश्यू तो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। तो नर्व सेल न्यूरॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं, यानी इन्हीं सेल से पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो ये है आपके सामने नर्व या न्यूरॉन का डायग्राम। तो इसके इसको देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो पार्ट मैसेज को रिसीव करना है बॉडी में, उस पार्ट को कहते हैं डेंड्राइट, सिंगुलर को डेंड्रॉन कहा जाएगा। ये डेंड्राइट उस मैसेज को कहां ट्रांसफर कराएगा, सेल बॉडी तक, इस पोर्शन को सेल बॉडी कहा जाएगा। सेल बॉडी से फिर आगे जाकर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसको एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन ऊपर सराउंड होता है कुछ लेयर से, कुछ सेल से, जिसको स्वान सेल कहते हैं, और स्वान सेल के ऊपर लेयर है माइलिन शीथ का। और ये मैसेज क्या होता है, ट्रांसफर होता है इधर से और लास्टली कहां पहुंचता है, नॉन टर्मिनल या फिर इसको सिनेप्टिक नर्व या फिर कभी कभी एक्सॉन टर्मिनल भी कहा जाता है।
उसके बाद ये मैसेज इस नॉब से इस नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? यहाँ देखना है, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो कि उस मैसेज को यहाँ से इस न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। कैसे? यहाँ से वो मैसेज को ट्रेवल कराएगा और इस डेंड्रॉन के रिसेप्टर्स पर, रिसेप्टर के पास जाकर बाइंड करेगा, उससे वो मैसेज आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस चीज को समझना है, इसलिए आगे लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकर बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा इस मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है और फिर केमिकल इंपल्स के द्वारा। तो ये न्यूरॉन के अंदर होता है और ये न्यूरॉन्स के बीच में होता है। किसके द्वारा? इंपल्स के द्वारा। उसके बाद सिनेप्स क्या है, सिनेप्स को कैसे, कभी कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिनेप्स, क्या डिफाइन सिनेप्स, तो सिंपल बोल सकते हैं स्पेस ऑफ जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन या जो स्पेस होता है वो सिनेप्स कहलाता है। देखो अगर इस चीज को हमको लाइन डायग्राम के द्वारा बताना तो कैसे बताएंगे, मैसेज का पार्सल बताना तो कैसे, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन को अंदर भी कह सकते हैं, सिनेप्स फिर डेंड्रॉन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। तो इस तरीके से हम लाइन डायग्राम में इसको बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी कभी कभी आ जाते हैं कि इसको अचानक रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन है। ये किस टाइप का एक्शन है? स्पॉन्टेनियस इनवॉल्ट्री एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सिचुएशन। हमारे बॉडी को हार्मफुल सिचुएशन से बचने के लिए ये रिस्पॉन्स होता है, ये अचानक होता है, ये इनवॉल्ट्री यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। इसलिए इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट वी इंस्टेंटली विथड्रॉ आवर हैंड, यानी अचानक किसी गर्म चीज पर अगर हमारा हाथ पड़ जाए तो हम तुरंत हटा दें। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। एक और है नी जर्क रिफ्लेक्स। अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वह रिफ्लेक्स आपका चेक करेगा किस तरीके से आपके नी के ऊपर थोड़ा धीरे से हथौड़ा आएगा, आपका जो लेग है वो आगे की तरफ मूव होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो। दूसरा रिफ्लेक्स आर्क। इसी रिफ्लेक्स एक्शन के मैसेज का ट्रैवल का जो पाथवे है उसी पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा गया है। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। कैसे? स्टिमुलस यानी चेंज। ये चेंज हुआ उससे क्या होगा, रिसेप्टर ऑर्गन ऐसे इमेजिन करते हैं, कोई गर्म चीज पे मैंने हाथ टच कर दिया गलती से, बिना देखे गलती से, तो यहाँ जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो रिसेप्टर ऑर्गन उस मैसेज को रिसेप्ट करते हैं और फिर सेंसरी नर्व के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से फिर से वो स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर नर्व के द्वारा रिसेप्टर ऑर्गन तक आएगा यानी हमारे हैंड तक आएगा और फिर मैं इस हैंड को हटाऊंगा जो कि रिस्पॉन्ड होगा। तो इस पाथवे को आपको याद रखना है। कुछ नोट में लिखा गया है बुक के अंदर, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे हमारे नोज में एक रिसेप्टर होता है जिसको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं जो स्मेल को रिसेप्ट करता है। हमारे टंग के अंदर टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जिसको गस्टैट्री रिसेप्टर कहते हैं और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे आई के अंदर भी एक रिसेप्टर होता है जिसको फोटो रिसेप्टर कहते हैं। तो ये सारे रिसेप्टर क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन का नीड क्या है हमारे बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले हमने बात की है कि हार्मफुल सिचुएशन से बचने के लिए ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है। इसे लिखा है इन सम सिचुएशन लाइक टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट वी नीड क्विक रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ्स सो इंस्टेड ऑफ ब्रेन आवर स्पाइनल कॉर्ड जनरेट रिस्पॉन्स। सो तो ये एक्शन क्विक होना चाहिए यानी तुरंत होना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी का हार्म पहुंच सकता है। तो ये अगर ब्रेन तक जाएगा तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कम पड़ेगा तब जब ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन डायरेक्ट कंट्रोल कहां से होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। आगे देखते हैं रिस्पॉन्स जनरली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स, दूसरा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्स एक्शन। अगर वॉलंटरी रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वो रिस्पॉन्स जो हमारे विल पावर के द्वारा कंट्रोल होता है यानी जो हम चाहें और कंट्रोल कर पाए, और इस वॉलंटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन पार्ट करता है। फोर ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो क्या क्या एग्जाम्पल है, राइटिंग, प्लेइंग, टॉकिंग और भी बहुत सारे सिंगिंग या शाउटिंग कुछ भी बोल सकते हैं, वो सब वॉलंटरी रिस्पॉन्स के अंदर आ जाते हैं। दूसरा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो हम अपने विल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यानी हम जब चाहते तो वो चेंजेस नहीं होते, वो चेंजेस अपने आप होते हैं बॉडी में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और ये कंट्रोल, ये रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है, मेन ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर। एग्जाम्पल हार्ट बीट का चेंज होना,
रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग रेट का चेंज होना, वॉमिटिंग होना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइन कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है, हमने देख लिया। और ये रिफ्लेक्स एक्शन दोनों के बीच में आता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बीच में, क्योंकि जब हम कोई रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं तो उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक भी जाता है और स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाता है। पहले कहां जाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक। वो रिस्पॉन्स हो जाने के बाद इस मैसेज को हमारा स्पाइनल कॉर्ड भेज देता है किसके पास? ब्रेन के पास। तो ये था हमारा थ्री रिस्पॉन्सेस।